नमस्कार आप सबका स्वागत है फ्यूचर प्रॉपर्टीज में आज आपके लिए लेके आए 20 फीट वाइड रोड पे नकौंदा में ये सोसाइटी के अंदर में ही हाउस है जिसका की साइज रहने वाला है आपका 26 बाई 38 का साइज आपको मिलेगा लगभग 111 गज में ये हाउस आपको मिलता है और सबसे अच्छी बात है कि ये जो हाउस है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है और दूसरी बात क्या है की इसमें जो रोड मिलता है आपको ट्वेंटी फीट वाइड रोड और आपको साइड से भी लगभग दस फीट का रोड आपको मिलने जा रहा है यानी डबल साइड रोड पे ये घर आपको मिलता है तो मैं आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ आइए मेरे साथ तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो ये बड़ा सा आपको पार्किंग स्पेस मिलता है जिसमें कि एक बड़ी गाड़ी यानी कि स्कॉर्पियो भी इजीली आप पार्क कर सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस पे आपको ये बड़ा सा हॉल मिलता है जिसमें सेवन सीटर सोफा आप लगा सकते हैं उसके बाद सबसे अच्छी बात है इसमें जो हाउस में जो डेकोरेशन है वो वुडन का डेकोरेशन किया हुआ है जो वुडन काफी अच्छा मटेरियल लगाया गया इसमें है इसमें फिटिंग्स बहुत अच्छी हैं इसमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दूसरी बात वेंटिलेशन और सनलाइट का पूरा ध्यान रखा गया है आप देखिए वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो यहाँ पर है और एक बड़ी सी विंडो यहाँ लगाई गई है तो किसी भी तरीके की ेशन को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली उसके बाद जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ये बड़ा सा टीवी पैनल आपको मिलता है जिसमें कि आप बड़े से बड़ा कितना भी बड़े साइज का टीवी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ऊपर देखिए आप, आपको यहाँ पे बढ़िया से सीलिंग मिलती है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पूरी कंसील्ड लाइट्स का भी बहुत अच्छा डेकोरेशन मिलता है तो दोस्तों तो ड्राइंग हॉल के साथ में आपको ये किचन मिलता है देखिए किचन में सबसे अच्छी बात है कि पार्टीशन दिया गया है और वॉरड्रॉप वगैरह ये देखिए पूरा बहुत अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है आप देख पा रहे हैं ये देखिए फाइन क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इसमें और यहाँ पर भी वेंटिलेशन का आप सामने देखिए विंडो लगाई लगाई गई है वेंटिलेशन के लिए उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लेते हैं रूम का साइज लगभग है दस बाय दस का आपको रूम मिलता है यहाँ पे अटैच टॉयलेट के साथ में और फिटिंग्स जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की गई है टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की गई हैं और इसके बाद यहाँ पर जब सेकेंड रूम में हम आते हैं तो इसका साइज भी आपको दस बाई दस का साइज में ये रूम मिलता है वार्ड्रॉप आपको पूरा मिलता है आप देखिए पूरा रूफ टच वार्ड्रॉप है सीलिंग का इस्तेमाल किया गया सीलिंग आ, में डिजाइन दिए गए हैं यहां पर जो है ये विंडो अगेन आपको वेंटिलेशन के लिए दी गई है और एंट्री अगर आप लेना चाहे सेकेंड एंट्री से आपको यहाँ पर देखिए ये एक अटैच टॉयलेट और आपको मिलता है ड्राइंग हॉल के साथ में दोस्तों अब

जो ये चौखट लगी हुई ये दस इंच की चौखट है दोस्तों अमूमन बड़े घरों में ये देखा जाता है। और इसमें आप इस आपको, आपको पूरी रूफ टॉप अलमीरा मिलती है बड़ा सा विंडो अगेन आपको मिलता है ये बड़ा सा रूम आपको मिलता है रूम का साइज लगभग जो रहने वाला बारह बाय बारह का ये रूम आपको मिलता है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे सीलिंग का अगेन अच्छा इस्तेमाल किया गया है और अब मैं आपको टेरेस पे लेके चलता हूँ आइए मेरे साथ तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम लोग टेरेस पे आ चुके हैं और टेरेस पे आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक टॉयलेट आपको यहाँ पर मिलता है इस रूम के साथ में यानी कि इस घर के साथ में आपको तीन बेडरूम तीन टॉयलेट और एक किचन हॉल पार्किंग 20 फीट की रोड साथ में 10 फीट की रोड ईस्ट फ्रेसिंग हाउस ये सारी चीजें आपको मिलने जा रही है नकरौंदा में हूं अभी मैं बहुत सुंदर सोसाइटी है बहुत अच्छी सोसाइटी गढ़वाली कम्युनिटी रहती है यहाँ पे आपका जो हाईवे यहाँ से रहने वाला है हार्डली यहाँ से एक से डेढ़ किलोमीटर के अंदर में आपको हाईवे आप पहुंच सकते हैं और ये पूरा जो है ये डेवलप्ड एरिया है यहाँ पर नियर बाय सारे स्कूल है सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर आपको नियर बाय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मिलता है कैलाश हॉस्पिटल मिलता है हिमालयन हॉस्पिटल मिलता है ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तेरह से चौदह किलोमीटर पे आपको एयरपोर्ट मिलने वाला है प्राइस की बात करता हूँ छियासठ लाख रूपए जो कि नेगोशिएबल है ऑन टेबल बात होगी नीचे देकर नंबर संपर्क कीजिए खर आपको कैसा लगा इसमें क्या क्वालिटी लगी क्या बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी जरूर बताइएगा मुझे करण सिंह चौधरी को इजाजत दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों